सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ ओनली देख रहे हो तुसी। इस वक्त तुहाडे नाल अपना दोस्त हरदीप सिंह पोगल। इस वक्त असी शंभू बैरियर के नज़दीक मौजूद हाँ, जिथे मोर्चा किसान अंदोलन का दूसरा भाग असी कह सकते हैं लगातारता दे विच चल रहा हैगा। शाम का समा हैगा, पाठ हो चुका हैगा। एक बार तस्वीर तुहानू दिखा दिए। साडे नाल किसान आगू बहरामके जी भी रहणगे, उन्हां दे नाल गलबात करांगे, पूरे मसले नूं समझण की कोशिश करांगे। इस वेले क्योंकि शाम का समा, स्टेज की समाप्ति हो चुकी है, जिहड़े किसान ने अपनी अपनी ट्रालियां च जा चुके ने। हले भी कुछ लोग जिहड़े इत्थे विचर रहे ने, आपस च चर्चा करके समझण की कोशिश कर रहे हैं कि अगली रणनीति की रहने वाली है। बहुत सारे लोगों के मन के सवाल हैगा कि आने वाले समय के मोर्चा की रणनीति उलीक रहा है। बहरामके जी, सब तो पहले बहुत बहुत स्वागत तुहानू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब, असीं सब तो पहला तो तुहाडे इस चैनल का धन्यवाद करते हैं कि तुसीं ग्राउंड तो जी खबर चक के है किसान की, मजदूर की, गरीबों की उपर तक पहुँचाते हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहरामके जी, बड़ी चिंता है लोगों के मन के, जिस तरीके ने सरकार का इस बार रवैया अपनाया है, जिस तरीके तशद्दुद लगातार होया, जिस तरीके बहुत सारे नौजवान फट्टड़ ने, एक दी जान भी चली गई, शहीद होया। हुण ये मोर्चा की सोच रहा है, अगे किस तरीके रणनीति घड़नी है, कि प्लैन कर लिया है, अगला कदम की रहने वाला है, किस तरीके जिवें अज पुतले साड़े गए ने, वक्त-वक्त थावां ते प्रदर्शन भी हो रहे हैं लगातारता दे विच, हुण अगली रणनीति की उलीक रहे हो? देखो, जदों असीं 21 फरवरी नूं ऐलान कीता सी अगे वधण दा जी, ते पर मैं समझांगा भी इस हाकम सरकार ने 21 फरवरी नूं कल्ले मोर्टर लॉन्चर ही नहीं चलाए, ईयर गैस भी सीगे, प्लास्टिक बुलट भी सीगे, और SLR दियां गोलियां बुलट भी चलाए जी। इत्थों तक तुसीं आप सुनिया वेख्या सारा कुछ, सारी दुनिया ने खनौरी दे विच साडा नौजवान वीर शुभ करन जिन्हों हाकम की गोली नाल शहीद कर दिता गया, जमहूरीयत का कतल किया गया, लोकतंत्र का घाण किया गया, और संविधान दियां धज्जियां उड़ाईआं गईआं शरेआम, सारी दुनिया ने देखिया। उसे वरतान के अनुसार असी भी इतने सारे आगू सेवान 21 फरवरी नूं अगे लग के अगवाई करके असी ये सोच बनाई सी एक अपनी सांझी भी किसी भी नौजवान नूं अगे नहीं जान देना, और किसी भी माँ का पुत की जानी नुकसान नहीं होना जी, और उन्दे ते असी बरकरार रहे। सारे आगू सेवान अगे गए, तुसी सारा मीडिया नाल सी, तुहाडे सामने किस तरीके दे नाल यकदम साडे दे उपर फोकस करके गोले जिहड़े ने अथरू गैस दे भराए गए जी। मैं समझांगा भी मैं अपनी जिंदगी दे विच इदां दी बैरीकेट और इदां दी कॉन्क्रीट पा के अगे थम्मे ला देने, इदां भी जिवें असीं पाकिस्तान जां चीन दे बॉर्डर तों उठ के आए, उत्थे भी इदां दे प्रबंध नहीं हैगे, उदां दे प्रबंध नहीं हैगे। राजस्थान दे लेके कल्ली तार ही है उत्थे तां। ये वैपन, ये हथियार उदों इस्तेमाल किते जांदा असला बरूद जदों दोवां जंग, दोवां मुल्कां दी आपस विच जंग लगी हो, आसे पासे पिंडां विच्चों, पूरे पंजाब विच्चों, होर बाहर दे स्टेटां विच्चों भी इत्थे पहुंचे, ते नाल दी नाल इह गल कहांगा भी 21 फरवरी तों बाद भी सारे किसानां, मजदूरां, नौजवान वीरां, भैणां, मातावां, बजुर्गां दा इत्थे बहुत वड्डा योगदान रहा जिहड़ा अजे भी चल रहा, क्योंकि असीं परसों ही अजे जिहड़ा वह शहीद शुभ करन दी याद विच कैंडल मार्च करके हटे हां जी, ते इसे परों असीं अज जिहड़े पुतले ने वह पूरे देश दे विच पिंड पिंड शहर शहर दे विच जिहड़े ने वह BJP सरकार दा विरोध किया गया, पुगले फूके गए ने, और WTO का विरोध किया गया, जिहड़ी अज आबूधाबी दे विच बड़ी वड्डी मीटिंग हो रही सी, उत्थे भी भावें पंजाब तो ला लो, पूरे भारत विच ला लो, 70,000 बंदा जिहड़ा उत्थे भी पहुँच के उन्हें इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि WTO जिहड़ी है ये सिद्ध मसिद्धा जिहड़ी साडी खेती है उन्हूं लगड़ा करना चाहुंदी है, साढ़े किसान ते मजदूर नूं अगे आर्थिक पक्ष तों अगे असीं कमजोर हाँ, सानूं होर कमजोर करना चाहुंदी है, कहण तों भाव कारपोरेट घराणियां दे हक विच इह सारा कुछ किया जा रहा, जो भी तजवीज़ां आ रही ने, पहलां डंकल तजवीज़ां आईयां उन्हां नूं कन्वर्ट करके इन्हां ने WTO तैयार कर दित्ती, इसे तरह जिहड़े हालात समय समय दौरान बनाए जा रहे हैं, कानून नवे लियांदे जा रहे हैं, इन्हां दा विरोध करन वास्ते, उन्हां नूं रोकथाम पाउण वास्ते इह किसान अंदोलन 2 असीं जिहड़ा इकट्ठा करके इस शंभू बॉर्डर ते। बहरामके जी, एक बड़ा अहम सवाल है, इस पूरे हालातों को देखते जिहड़ा निकल के सामने आ रहा है, हाले भी इस अंदोलन किसान अंदोलन ही
लोग समझ रहे हैं, लोग ये समझन दे विच हले भी कामयाब नहीं हो रहे जां समझ नहीं पा रहे कि अंदोलन किसानों का अंदोलन नहीं है, ये आम लोगों का भी अंदोलन है। जे किसान की फसल एम एस पी ते विकूगी तो किस आम लोगों को भी पता होगा भी हाँ 15 रुपए चीज़ विकी है, सानू 17 वध तो वध 18 वध तो वध 20 रुपए वेची जा सकती है, पर ये हले नहीं वो समझ पा रहे कि जो किसानों की फसल का मुल तय नहीं होगा उन्होंने 50 रुपए 150 रुपए 10 रुपए वाली चीज़ वो 1000 रुपए जिथे तक रेट चकनगे कारपोरेट कराने उस हिसाब से बेची जाऊगी। कमी कितने लगती कि यह लोगों को समझाने के मोर्चा हले तक कामयाब नहीं हुआ कि आम लोगों का संघर्ष है ना कि सिर्फ किसानों का। देखो भोगल साहब तुम बहुत वधिया गल की, आपां तुहाडे माध्यम राही समझा भी दिंदे हैगे, जदों 2020-2021 का अंदोलन चल रहा सी उह डानियां बानियां ने पूरे देश की सरों एक जगह स्टोर कर ली, स्टोर करके 90 रुपये प्रति लीटर मगर तेल का भाव जिहड़ा वधा दित्ता। बिल्कुल उदों वधाया सी जी, कोई बंदा बोलिया जी, किसी ने बयान लवाया जी, जदों भी असीं अपने फसलों का पास स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक खेती किते नूं लाहेवंद बनाने वास्ते गल करते हैं, उदों ही ये जिहड़े कारपोरेट घराने ने थले आपदे बंदे आई टी सैल ला के चीकां मारनियां शुरू कर देंदे ने, गरीब किधर जाऊगा, ये बिल्कुल गलत गल है। देखो जे साडी फसल का भाव वधेगा तो जिहड़ी गरीब की दिहाड़ी है जिहड़ा लेबर है उहदा भाव भी ऑटोमेटिक वधना वधना सर्कल बणिया होइआ। बिल्कुल देखो दुआबे की काफ़ी बिल्ट आ जी मक्की की कास्त करती है, इस तरह मालवे की और माझे की बहुत वड्डी गिनती दे जिहड़े वो किसान जिहड़े ने कास्त करते हैं मक्की की, मन के चलो 2000 रुपये एम एस पी हैगी, अज 1000 तो 1200 रुपया क्वांटल मगर दिता जा रहा है, 1000 तो 800 रुपया प्रति क्वांटल के मगर किसान की सिद्ध मसिद्ध जी लुट हो रही है। इस पर असं कहने भी इन उपर एम एस पी के उपर गरंटी कानून बनाया जाए भी जिहड़ा भा केंद्र सरकार वालों जिहड़ा एग्रीकल्चर का लॉबी हैगी आ उहदे विच जो मिथ्या जावे उस तो घट किसी नूं भी ना मिले, चाहे वह छोटा किसान है चाहे वह वड्डा किसान। असीं इस परों एम एस पी का गरंटी कानून लैण वास्ते 23 फसलों वास्ते एक वेखो पंजाब दा इकल्ला नहीं पूरे देश विच जिथे भी कोई किसानी करता खेती कुत्ते नाल जुड़िया होया फसलां बीजदा है, भावें वह आलू की फसल है टमाटर की आ भावें वह इस तरह लसन की आ मटर की आ बहुत सारिया फसलां आउंदियां फसल च सारा कुछ आउंदा। एक बड़ी हैरानी की गल है कि ऐतकी किन्नू की फसल बंपर फसल हुई तो किसान मजबूर हो गए सड़कों से सुट्टन के लिए, लगता कि बड़ी चिंता की गल है कि जो कोई बंपर फसल होगी तो उस हिसाब नाल किसानों ही नुकसान झलना पेगा उस चीज़ का, जबकि दूजे पासे एक चर्चा हमेशा चलती रही है कि अटारी बार्डर खोल दिता जाए तजारत लई किसान की फसल का मुल तो पै जूगा उस हिसाब नाल। देखो भोगल साहब तुसीं पिछे देखिया होना भी किसानों ने जिहड़ी बंपर फसल सी किन्नू दी ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਪਈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਭਾਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਵੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਾਈਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਜੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਖੂਬੂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗ ਲੀਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ,
पुतले फूकन नाल सरकार ते कोई असर नहीं होना जां धरने करन दे नाल जिहड़े आपां छोटे छोटे कर रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा रहे हैं सिर्फ दिखाउण दे लई तां चंगे लगदे आ पर सरकार ते उहनां दा असर नहीं होना उस तरीके नाल कोई कंक्रीट कदम सोचिया जथेबंदियां ने इस वेले बैठ के कोई चर्चा चल रही आने वाले समय दे विच कि आपस बैठ के कोई कंक्रीट कदम चुकया जाए जिहदा असर भी होवे सरकार ते अंदोलन जदों भी छिड़दे ने जदों भी अंदोलन भकदे ने इन्हां दे विच बहुत सारे मसले जिहड़े गंभीर हो जांदे ने कई बार भोगल साहब एक कदम अगे भी होना पैंदा ते एक कदम पिछे भी होना पैंदा इस परों असीं चाहुंदे आ भी साडी इक बड़ी वड्डी सांझ आ जिवें दो फॉर्म ने के एम एम ते एस के एम गैर राजनीतिक जी असीं दोनों फॉर्मां ने कल नूं असीं पूरे भारत दे विच्चों किसान आगू सभा आ रहे ने साडी एक सांझी मीटिंग होवेगी उस मीटिंग तो बाद दोनों फॉर्मां दी अलग अलग मीटिंग होवेगी उस तो बाद एक सांझी मीटिंग होवेगी फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा 29 नूं ओह लाया जाऊगा बहुत शुक्रिया बहराम के जी धन्यवाद तुहाडा तो बहराम के जी अपने साथियों नाल इत्थे मौजूद ने असीं गलबात करके उन्हां नूं समझण की कोशिश की है कि अगली रणनीति की रहने वाली है तमाम चीज़ से चर्चा करके समझ अपने वालों अपना पक्ष रखिया उन्होंने तुसीं इस बारे की सोचते अपने कमेंट अपने टिप्पणी जरूर साझी करो तो कैमरामैन हरजिंदर के नाल हरदीप सिंह भोगल शंभू।